Hello friends, this is Dr. Alok, or in this video segment we will discuss about the fifth lecture of the solution. Or aaj panchwa lecture lekar aaya hu main, jisme hum log aaj vapor pressure ko samjhenge ki what is the vapor pressure of the solution. To aaiye start karte hain is chapter ko. Chaliye sabse pehle hum log samajhte hain ki vapor pressure of solution mein kis ko lekar chalenge. To sabse pehle hum चूंकि एक सोल्यूशन बना रहे हैं तो हमारे पास जो कंपोनेंट होंगे वो दो वो कंपोनेंट, पहला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन होगा. तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, हम पहला जो कंडीशन समझने जा रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स यानी कि सोल्यूशन कैसा है, लिक्विड सोल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन है और इसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो यहां पे हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो बोथ लिक्विड्स आर वोलाटाइल, दोनों लिक्विड्स वोलाटाइल हैं. तो पहली कंडीशन तो यही है कि बोथ लिक्विड्स आर वोलाटाइल, दोनों वोलाटाइल हैं, यानी कि दोनों एक ऐसे लिक्विड हैं जो वेपर बनाते हैं, जो वेपर फॉर्म करते हैं. अब देखिए, इन सॉल्यूशन में जब सॉल्यूशन बनता है तो राउल्ट्स ला क्या कहता है, राउल्ट्स ला कहता है इन सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर. तो पहले हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर को समझ लें कि एक्चुअल में पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है. तो जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं या मिक्सचर ऑफ गैस है, तो उसमें किसी पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होगा, उसको उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं. तो बहुत आसानी से समझने के लिए इसको समझिए कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 180 का है, दैट इज 760 mmHg, और हम ये कहते हैं कि इसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, तो 78%, तो 760 का 78% निकाल दोगे तो दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, और 760 mmHg का अगर आप 21% निकाल दोगे तो वो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का. ठीक है, तो इसी तरह से पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर, किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस में पर्टिकुलर गैस का क्या प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है. ठीक है, एक कंपोनेंट ऑफ गैस क्या प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसी को हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं. राउल्ट्स लॉ कहता है कि इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. तो पहले आप लोग राउल्ट्स लॉ लिख लीजिए. ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ लिखते हैं. राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mole fraction of that component. ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है, हर एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, मान लीजिए दो कंपोनेंट हमने ले लिया ए और बी, तो ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, उसी के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास दो तरह के लिक्विड है. एक कंटेनर हम लोगों ने लिया हुआ है, और इस कंटेनर को हम लोगों ने यहां से पैक कर दिया.
ठीक है, क्लोज कंटेनर में वेपर प्रेशर की बात करेंगे हमेशा क्लोज कंटेनर। और यहां पे हमने जो लिक्विड ली है वो लिक्विड है ए, ठीक है। इस प्योर लिक्विड का, इस प्योर लिक्विड का प्रेशर होगा, प्योर लिक्विड का भी प्रेशर होगा। तो प्योर लिक्विड के प्रेशर को हम किससे जनरेट करते हैं, पी नॉट ए से, प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर स्टेट, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पे ये हो गया। दूसरा हम लोगों ने बीकर लिया और इस बीकर में हमारे पास, दूसरे बीकर में भी हमारे पास एक प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, और ये लिक्विड है आपकी बी, और इसका जो पार्शियल प्रेशर, सॉरी इसका जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो पी नॉट बी है, ओके पी नॉट बी है। और अगर इन दोनों को हम लोग मिक्स कर दें, इन दोनों को हम लोग मिक्स कर दें, तो मिक्स करने के बाद जो हमारे पास कंटेनर ले लिया हम लोगों ने, क्लोज कर दिया और सोल्यूशन बना दिया, सोल्यूशन बना दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सोल्यूशन बन गया। अब यहां पे पूछ रहा है कि इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। इसको हम लोग टोटल प्रेशर से भी डिनोट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, प्रेशर टोटल इज इक्वल टू कितना, ये एक कंडीशन है। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या क्या चीजें बताना चाहता हूं मैं, जैसे पी नॉट ए, आप पी नॉट ए को क्या लिखोगे, तो पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट। पी नॉट बी इसी तरह से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन प्योर स्टेट, ओके। अब यहीं पे हम अगर पी ए लिखते हैं, ये पी ए क्या होगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सोल्यूशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये सब चीजें आएंगी आगे, पार्शियल, इसलिए यहां पे जानना बहुत जरूरी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में इसका पार्शियल प्रेशर कितना है। इसी तरह से पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सोल्यूशन, ओके। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। मतलब कि अगर कोई सोल्यूशन बना है तो उस सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा, ओके। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा, मतलब टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, पी टी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, ओके। इतनी बात समझ में आ गई आपके, इतनी बात समझ में आ गई। तो आइए अब हम लोग इस राउल्ट्स लॉ के इस डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। इन अ सोल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना होगा, सबसे पहले हमको समझना है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का ये इज इक्वल टू एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, अगर दो ही कंपोनेंट हैं तो टोटल कंपोनेंट, ये मोल फ्रैक्शन होगा। इसी तरह से एक्स बी के लिए क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ओके ठीक। तो किसी भी मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन हम लोग देख चुके हैं, जब सोल्यूशन को स्टार्ट किया था दूसरा ही लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगर जिन्होंने सेकंड यहां से शुरू किया है वो सेकंड लेक्चर जाके देखिए पहले मोल फ्रैक्शन होता क्या। अब देखिए मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, फ्रैक्शन का जो सम होता है मोल फ्रैक्शन में, अगर दो कंपोनेंट है तो उनका जो सम होगा वो कितना होगा, वन होगा। तो यहां पे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस का ये लिखते हैं इज इक्वल टू
वन, ये वन आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, कह रहा है ना, इन ए सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी ए ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आ जाएगा, के एक्स ए, ठीक है। अब ये के कहां से आ गया, ये के क्या है, या के को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पूछा कि फाइंड के, व्हाट इज के, के क्या है, ओके तो लेट्स कंसीडर। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास प्योर ए है, मतलब सॉल्यूशन में हमारे पास प्योर फॉर्म में ए कंपोनेंट ही है ओनली, केवल। तो लेट्स कंसीडर, के को डिफाइन करने के लिए हमको ये करना पड़ रहा है, तो लेट्स कंसीडर वी हैव प्योर ए, मतलब केवल लिक्विड प्योर ए है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब लिक्विड प्योर ए होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। भाई बी बी है ही नहीं है, प्योर फॉर्म में ए है, तो बी एक्स बी तो जीरो हो गया, मोल फ्रैक्शन केवल एक्स ए का मोल फ्रैक्शन आएगा। आराम से समझिए, नहीं समझ पा रहा है फिर से जाके समझिए, ओके। तो वीडियो में ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार समझिएगा, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले में अगर हम ये वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो एक्स ए की वैल्यू वन है, तो पी नॉट भाई प्रेशर कितना हो जाएगा, जब प्योर फॉर्म में ए है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट ए इज इक्वल टू के की वैल्यू के इंटू एक्स ए वन, तो क्या हो गया पी नॉट ए इज इक्वल टू के, पी नॉट ए इज इक्वल टू के आ गया। अब ये जो के की वैल्यू आई है, अगर हम इस के की वैल्यू को यहां पे पुट कर दें, के की वैल्यू को यहां पर पुट कर दें, तो के की वैल्यू को पुट करिए इक्वेशन वन में, अगर इसको इक्वेशन वन मानते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए ठीक है। इसी तरह से आपके पास पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी या काई बी कहते हैं, मैं बार बार एक्स कह रहा हूं, काई बी या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये भी सही है। तो इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई। अब मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं इसको मिटाकर ही आगे पढ़ूंगा। तो देखिए यहां से हम लोगों ने ये डिराइव कर लिया कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब किसी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर स्टेट के प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ओके। तो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए मिटाता हूं मैं। आइए अब हमको यह पता चल गया कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी होगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इन अ मिक्सचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड हेंस पार्शियल प्रेशर ऑफ
एनी लिक्विड इन अ मिक्सचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इन द मिक्सचर, मिक्सचर में क्या होगा, इन अ मिक्सचर इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन, इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड किस तरह से लिखें, एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट, सही है, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है, ये हमने यहां पे डिफाइन कर दिया। ओके, अब पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको मैंने बताया कि द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू डाल्टन्स लॉ कहता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। तो इसी को अब हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए की जगह आप ये लिख सकते हो पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो ये भी एक आपके पास फार्मूला मिल गया, ठीक है। अब देखिए अगर इस एक्स ए को हम लोग बदल दें, देखिए जैसे कि हमारे पास काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू वन है, तो हम लोग काई ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वन माइनस काई बी। ओके, तो इसकी वैल्यू अगर हम यहां पे रख देते हैं तो पी टी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए की जगह रख देते हैं पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी, पी नॉट बी काई बी, तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। अब यहां से अगर काई बी हम लोग कॉमन ले लें तो ये हमारे पास क्या बचेगा, काई बी कॉमन ले लिया तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी टी इज इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द फंक्शन ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे आप लिख लो हेंस, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हेंस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द फंक्शन ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और इसके बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, मिटा देता हूं। आइए ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ बिटवीन मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर, तो यहां पे आपको नीचे शॉर्ट हेडिंग होगी ग्राफ बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास एक हो गई वाई एक्सिस, दूसरी हो गई एक्स एक्सिस, क्योंकि दो तरह के लिक्विड ले रहे हैं तो एक लिक्विड यहां ले लिया, ठीक है। तो इस तरफ हम लोग लिखेंगे वेपर प्रेशर, इस तरफ हम लोग लिखेंगे मोल फ्रैक्शन,
ठीक है। अगर हमने प्योर लिक्विड ए लिया इस पॉइंट पे यहां पर, तो यहां पे उसके लिए मान लीजिए कि इसका वेपर प्रेशर ये था, इसको हम लोग प्योर लिक्विड ए के लिए वेपर प्रेशर मान के चलते हैं पी नॉट ए, ठीक है। ये प्योर लिक्विड वेपर कब होगा, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू वन हो और एक्स बी इज इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। आप इधर मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हो, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन हम इस तरफ की तरफ बढ़ा रहे हैं। अभी इस फंक्शन में एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू वन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है ही नहीं है सोल्यूशन में, तो उस समय हमारा प्योर लिक्विड है और प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पी नॉट ए, ओके। अब जैसे जैसे आप एक्स बी बढ़ाते चले जाओगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एक्स बी इज इक्वल टू वन एंड एक्स ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक्स ए जीरो हो जाएगा तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर भी घट के जीरो पहुंच जाएगा, जब वो है ही नहीं तो यहां से ये कहां पहुंच जाएगा, यहां से ये पहुंच जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो जैसे जैसे एक्स ए जब था तो यहां पे इसका प्योर फॉर्म में प्रेशर इतना था, वो घटकर कहां पहुंच गया, जीरो पे पहुंच गया। अब यहां पे मान लीजिए कि इसका प्रेशर यहां पे कहीं प्योर फॉर्म में एक्स बी, केवल एक्स बी वन है, एक्स ए जीरो है, तो इसमें पी नॉट बी यहां पे कहीं होगा, ठीक है। और जब आप इधर की तरफ आप बढ़ोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो हो रहा है, तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। तो जरा देखिएगा, मेरा ग्राफ थोड़ा मुड़ रहा था, यहां पे भी मुड़ा हुआ है, तो आप लोग अपने स्केल से इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो ग्राफ शो करेगा, ये शो करेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये शो करेगा पीटी, ये पीटी है, ठीक है, ये क्या है पीटी, एंड दैट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ओके। पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ओके। आइए हम लोग पीटी को डिफाइन करते हैं, पीटी को देखते हैं कि क्या होगा। तो पीटी को पीछे हम लोगों ने देखा कि जब हमारा पीटी पी ए, तो पी ए क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट, याद आ रहा है आपको। तो यहां पे इसको हम लोग इस तरह से अगर इस पोजीशन पे हम लोग देखना चाहें तो इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक। इसी को हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अब काई बी यहां पे अगर जीरो है, देखिएगा काई बी यहां पे जीरो है, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, काई बी अगर यहां पे जीरो है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक्स ए की वैल्यू वन है, तो यहां पे पी टी इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए, ये हो गया। इसी तरह से या इधर भी आएगा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पी नॉट ए कब होगा, जब इस कंडीशन पे आप नोट करोगे सॉल्यूशन के लिए तो ये आ जाएगा, ओके। तो आइए दो तीन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे न्यूमेरिकल दिख जाएंगे, ध्यान से देखिए। पहला न्यूमेरिकल है, पढ़िए ध्यान से, लगाने की कोशिश करिए। वन मोल ऑफ ए एंड थ्री मोल ऑफ बी इज मिक्सड एट रूम टेम्परेचर, ओके। If vapor pressure in pure state of liquid A is 40 mmHg and liquid B is 10 mmHg, okay? Calculate the vapor pressure of solution. तो solution का vapor pressure निकालना है, तो सबसे पहले हम लोगों को partial pressure निकालना होगा, तो हमको partial pressure of liquid A निकालना है, तो वो क्या होता है, P not A का ये P not A दिया हुआ है
लेकिन काई ए निकालना उससे भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि मोल्स दिए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले काई ए निकालते हैं, तो काई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो यहां पे कितना दिया हुआ है, वन और थ्री, तो वन डिवाइडेड बाई वन प्लस थ्री इज इक्वल टू वन बाई फोर। ठीक है, इसी तरह से काई बी आ जाएगा, काई बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, दैट इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री बाई फोर। चलिए ये निकल गया। अब पी ए पे आते हैं, अब पी ए देखो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, पी नॉट ए दिया हुआ है, पी नॉट ए दिया हुआ है 40 mm जी, तो 40 इंटू वन बाई फोर ये कितना हो गया 10 mm जी। पी बी निकाल लो, पार्सियल प्रेशर ऑफ बी, तो पार्सियल प्रेशर ऑफ बी भी क्या हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी नॉट बी कितना दिया हुआ है 10 mm जी, तो 10 इंटू थ्री बाई फोर इज इक्वल टू 30/4 इज इक्वल टू 7.5। तो पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, टोटल सोल्यूशन का टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो कितना आया 10 आया प्लस 30 इज इक्वल टू 40 mm, सॉरी यहाँ 10 आया था, यहाँ 7.5 आया था, 7.5 तो ये कितना हो जाएगा 17.5 mmHg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं तब तक रब करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं होता है तो मैं तो सॉल्व कराऊंगा। ओके, चलिए दिया हुआ है इफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 0.92 ग्राम ऑफ टॉलुइन आर मिक्स्ड इन एट सम टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे दोनों को मिक्स किया गया। ओके, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन एंड टोटल वेपर प्रेशर। ओके, तो यहां पे देखिए मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हमको अब मोल फ्रैक्शन भी निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में दे दिया है, तो हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए, हमको मॉलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन और मॉलिकुलर वेट ऑफ टॉलुइन सबसे पहले। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताओ जरा पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना होगा, और कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन कितना होगा, और कह रहा है पीटी कितना होगा टॉलुइन बेंजीन। ओके, और हमको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है 0.78 ग्राम बेंजीन, 0.78 ग्राम बेंजीन, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.92 ग्राम टॉलुइन दिया है। तो आइए निकालते हैं, तो सबसे पहले तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो हमें एन ए भी चाहिए एन बी भी चाहिए, एन ए कितना हो जाएगा, एन ए का मतलब है कि यहां से निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो बेंजीन, बेंजीन होता है C6H6, तो इसका मॉलिकुलर वेट कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 72 प्लस 6 इज इक्वल टू 78। ओके, टॉलुइन, टॉलुइन का मतलब हो गया, टॉलुइन का मतलब हो गया कि बेंजीन पे CH3 लग गया है, तो C7H8, ठीक है, एक एच चला जाता है वहीं पे कार्बन जुड़ता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 92, 84 प्लस 8 इज इक्वल टू 92।
चलिए x से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे x a इज इक्वल टू, सॉरी 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 सॉरी, पहले x से निकालने से पहले तो हमको na निकालना है, na ठीक है, डायरेक्टली x से निकालते हैं, x a इज इक्वल टू दिया हुआ गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ओके 0.78 डिवाइडेड बाय 78 अपॉन 0.78 डिवाइडेड बाय 78 प्लस 0.92 डिवाइडेड बाय 92। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू 0.01 अपॉन 0.01 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 0.01 अपॉन 0.02 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, आइए एक्स बी पे आते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू, या काई भी कह रहे थे, मैं बार बार एक्स बी कह रहा हूं, एक्स की तरह लिखा जाता है लेकिन दिस इज काई भी, यहां पे क्या होगा एन बी ऊपर चला जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो एन बी कितना है 0.92 डिवाइडेड बाय 92 अपॉन 0.78 अपॉन 78 प्लस 0.92 अपॉन 92, ओके तो यहां भी इतना ही आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01 और 0.02 इज इक्वल टू 1/2। तो ये देखिए एक्स ए और एक्स बी तो हमने उन्हें निकाल लिया, ठीक है, अब प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालने के लिए क्या करना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू बेंजीन का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इनटू एक्स बेंजीन, तो कुछ हम लोगों को दिया हुआ है पी नॉट ऑफ बेंजीन, हाँ क्वेश्चन में देखिए नीचे लिखा हुआ था 400 mmHg है बेंजीन, तो 400 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 200 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन निकाल लो, टॉलुइन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ टॉलुइन इंटू टॉलुइन, तो ये कितना हो जाएगा, पी नॉट ऑफ टॉलुइन दिया हुआ है 200, 200 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 100। अब आ जाइए पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए कितना आ गया 200, पी बी कितना आ गया 100 इज इक्वल टू 300 mmHg। तो टोटल निकाल लिया आपने, बेंजीन का निकाल लिया और टॉलुइन का निकाल लिया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3.2 ग्राम मेथेनॉल एंड 4.6 ग्राम इथेनॉल साथ में प्योर फॉर्म में, उसका वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है, मिक्स टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन, मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आसान है क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आप कर लेंगे, करके इसका आंसर मुझे बताइए, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसका आंसर, इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितना आ रहा है, आराम से हो जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिथेनॉल निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल निकाल लीजिए, उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, तो बिल्कुल सेम फार्मूले पे ये क्वेश्चन है, कर डालिए ठीक है, और इसका आंसर मैं, आप कमेंट करिए मैं बताऊंगा, ओके थैंक यू, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और बचा हुआ है थोड़ा सा, उसको डिस्कस कर लेते हैं, तो हेडिंग डालिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो लिक्विड फेज में देखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, तो आइए समझते हैं इसको क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई कंटेनर है, ठीक है, अब इस कंटेनर में
आपने क्या किया हुआ है, आपने सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी लिया हुआ है, सोल्यूशन ऑफ ए प्लस बी, और ये एक वेपर फेज बना रहा है यहां पे वेपर फेज बना रहा है। अब इस वेपर में मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है, इस वेपर में ए का भी वेपर होगा, बी का भी वेपर होगा, तो भाई यहां पे वेपर किसके होंगे, ए का भी वेपर प्रेशर होगा और यहां पे बी का भी वेपर प्रेशर होगा। तो इस कंडीशन में वेपर फेज में जब मोल फ्रैक्शन की बात की जाती है तो ये कितना होगा, देखिए यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के लिए एक फॉर्मूला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंटू टोटल वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंटू टोटल वेपर प्रेशर के बराबर होगा। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख लो, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को हम लोग चूंकि लिक्विड को काई से डिनोट करते हैं, लिक्विड को काई से डिनोट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस जब फेज में है तो उसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। तो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यानी कि पी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन को हमने वाई से डिनोट किया, वाई ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो वाई ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ऑफ गैस इज इक्वल टू पी गैस अपॉन टोटल प्रेशर, ठीक है। तो जब आपसे वेपर फेज में पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ओके। आइए क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी ज्यादा समझ में आ जाए, ज्यादा समझ में आए। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है, जरा पढ़िए, मैं तब तक रब करता हूं। वन मोल साइक्लोहेक्सीन मिक्स विथ फोर मोल ऑफ साइक्लोहेप्टेन, वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में दिया हुआ है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट एज वेल एज इन वेपर स्टेट, लिक्विड स्टेट में भी पूछा है और वेपर स्टेट में भी पूछा हुआ है, मोल दिया हुआ है, तो लिक्विड स्टेट पहले निकाल लेते हैं फिर वेपर स्टेट निकाल लेंगे। भाई वेपर स्टेट तो तभी निकलेगा जब टोटल प्रेशर आप निकाल लोगे सोल्यूशन का, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को निकालना है लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साइक्लोहेक्सीन अपॉन टोटल मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया हुआ है और टोटल कितना दिया हुआ है 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 बाई 5। मोल फ्रैक्शन ऑफ साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन देख लो, साइक्लोहेप्टेन कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 बाई 5, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है पीटी। तो उससे पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए पीटी निकालने के लिए, टोटल प्रेशर पहले पता होना चाहिए। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम लोगों को क्या आना चाहिए, भाई ये पी ए प्लस पी बी होता है, पी ए प्लस पी बी के लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी या काई बी जिसको कहते हैं। पी नॉट ए दिया हुआ है आपको 100 एम एम एच जी, तो 100 एक्स ए कितना आ गया 1 बाई 5, प्लस दूसरा दिया हुआ है 200 इंटू 4 बाई 5, 5 से 20 आ गया 40 इंटू प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 प्लस 160 इज इक्वल टू 180 एम एम एच जी, टोटल प्रेशर हमको पता चल गया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है, मोल फ्रैक्शन पूछा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट आपने निकाल दिया 1 बाई 5। अब आपसे पूछा है वेपर फेज में कितना होगा,
तो वेपर फेज के लिए क्या हो जाएगा, देखो अभी आपने लिखाया हो वेपर फेज में इज इक्वल टू, जिस गैस का निकालना है उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, तो ये आ जाएगा पी गैस किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इन गैसियस फेज। तो पीए कितना था, पीए आप लोगों ने निकाला है यहां पे 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 180 कितना आ गया 1/9। इसी तरह से साइक्लोहेप्टेन का क्या हो जाएगा, साइक्लोहेप्टेन यहां पे कितना आ गया था 160, तो 160 डिवाइडेड बाय 180 16 यानी कि 8/9। ओके, तो मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज 1/9 और 8/9, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज 1/5 और 4/5। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्ट माइंड का यूज करिए, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो ऑल अबाउट द दिस टॉपिक, थैंक्स अ लॉट, चैनल पे बने रहिए और मेरे क्वेश्चन का आंसर करिए।